Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. I'm bringing a fact of history which you'll be shocked to know, especially people residing in Mumbai area, Greater Mumbai area. आज आपके पास में एक ऐसा ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा चौंकाने वाला होगा. कुछ लोगों को मालूम भी होगा, देयर आर मेनी इंटेलिजेंट पीपल इन इंडिया. मैं हमेशा बोलता हूं भारत में 40 करोड़ से ज्यादा लोग बहुत ही अच्छे विद्वान, भक्त और अपने संप्रदायों का अनुसरण करने वाले लोग. India is a very spiritual place. India is a spiritual place. India is a home of spirituality of the world. Bharat puri duniya ke spiritual logon ka ek ghar hai. Everything in the world which is considered holistic is connected to yoga. Today I'm going to take you to one place which is famous for Parshuram. Ye iska varnan aata hai अनेक पुराणों में, आता है. वामन पुराण में आता है, भागवत पुराण में आता है, श्री बलराम जी की यात्रा में आता है, भगवान राम की यात्रा में आता है. पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया और उसका वर्णन मैं अपनी पुस्तक में, मेरा भाग्य ऐसा है कि ऐसी मुझे प्रेरणा मिली परमात्मा से, सो आई वॉज एबल टू राइट द बुक ओरिजिनल, द ओरिजिनल एटलस. उसका दूसरा पार्ट आने वाला है थोड़े दिनों में. उस पर मेरा काम चल रहा है, इसलिए आप देखेंगे कभी कभी मैं बहुत सारे आपके वीडियोस जो आप मुझे इनवाइट करते हैं अपने चैनल से, मैं नहीं आ पाता हूँ. मेरे पास इतने इन्विटेशंस हो गए हैं कि मैं नहीं आ पाता हूँ. आजकल कुछ ही चैनल्स पर जाता हूँ. अगर आप लोग मेरे टॉपिक से बात करेंगे तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन साधारण न्यूज चैनल्स पर मुझे थोड़ा दूर रहता हूँ, पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ किसी प्रकार का पॉलिटिक्स. मेरे पॉलिटिकल व्यूज अगर सुनने हो तो मेरे ट्विटर चैनल पर आप फॉलो कर लीजिए, आपको मेरे पॉलिटिकल व्यूज वहां पे दिख जाते हैं. लेकिन जहां धर्म के साथ पॉलिटिक्स होगी तो मैं जरूर सपोर्ट करूंगा, विच एवर कंट्री इट इज. मेरा माय होम कंट्री आल्सो, इफ दे प्ले धार्मिक पॉलिटिक्स, यस आई विल सपोर्ट. लेकिन जो नहीं फॉलो करेगा तो मैं अपना व्यूज स्पष्ट ही रखता हूं. तो ये जो तीर्थ है इसकी महिमा क्या है, इसका नाम पहले तो मैं बता दूं आपको, नाला सुपारा है बॉम्बे में. उसका संस्कृत का नाम है सुपार्क तीर्थ. मुंबई वालों के लिए बहुत ही पावन जगह है. मुंबई में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं. मुमरा देवी है, मैं मुंबई से ही हूँ, मुमरा देवी है, हमारे शिवजी जो है साउथ बॉम्बे में है, और भगवान राम के बाण गंगा भी वहां पर है, ऐसा बोला जाता है. लेकिन ये जो सुपार्क तीर्थ है, इधर बहुत बड़े बड़े लोग वहां पे विजिट करे हैं, वहां पे गए हैं, और वहीं पर बाद में महाभारत काल में युधिष्ठिर महाराज ने पोर्ट बनवाया था. अशोक का पोर्ट नहीं है वो, उसके पहले का पोर्ट है वो, जिससे महाभारत काल में युधिष्ठिर महाराज की जो ट्रेड्स थे, जो उनके उनके राज्य में जो लोग व्यापार करते थे, ऐसा मत सोचिए कि तब व्यापार नहीं था, व्यापार तब भी था, तब इतने धनी थे. व्यापार हमेशा रहा है मनुष्य समाज में, कोई यूरोपियन से देन नहीं दिया है, और मेरे को इसमें कुछ प्रॉब्लम भी दिखाई देती है और वो भी मैं हाईलाइट करूंगा, क्योंकि उसमें जो आजकल लोग कर रहे हैं दैट इज टोटली रॉन्ग. मैं चाहता हूं कि आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया या कोई ऑथराइज्ड आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिस्ट जो पुराणों में श्रद्धा रखते हों वो लोग इस जगह को एक्सकवेट करें ठीक से, और वहां पे वापस परशुराम जी का मंदिर बनाया जाए. उधर आप पिंडदान कर सकते हैं बॉम्बे के पास में. वो एक ऐसा स्थल है जहां पे देवता, सभी देवताओं का आशीर्वाद है, और वहां पर सभी पितरों की पूजा आप की जा सकती है. अनेक प्रकार के जो दोष होते हैं आपके ज्योतिष शास्त्र में आप देख सकते हैं. किसी ने मुझे लास्ट किसी कमेंट में कमेंट किया था एस्ट्रोलॉजी मत यूज करिए, ज्योतिष यूज करिए. बिल्कुल सही शब्द है आपका, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं वहां पे, बता देता हूं ये सही है, कभी कभी निकल जाता है. और जिन लोगों को
शुद्ध हिंदी से प्रॉब्लम हो तो भैया हम लोग का बंबई हिंदी है, बंबई हिंदी में इंग्लिश वर्ड रहते ही रहते हैं। मैं बहुत कोशिश कर करके यहाँ तक पहुंचा हूँ कि वेयर आई कैन स्पीक हिंदी प्रॉपरली, अभी भी इंग्लिश निकल गया है ना। और इंग्लिश एक स्किल्स है, मेरी भाषा नहीं है, मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरी पहली भाषा मराठी थी, दूसरी भाषा हिंदी है, और बचपन में मराठी बोलता था सोलापुर में, और यहाँ पे बाद में हिंदी है, और अब इंग्लिश और हिंदी दोनों है। चलिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम एरियाज बात करूंगा, उसके बाद में आपको तीर्थ स्थल की यात्रा में लेके चलूंगा। ये एक स्टडी हुआ है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन न्यूमिनास्टिक हिस्टोरिकल कल्चरल रिसर्च फाउंडेशन, इन्होंने आर्टिकल लिखा है, और इन्होंने काफी अच्छा लिखा है कि किस तरह उन्होंने बेसिक एविडेंस दिया है कि यहाँ पे ये था चुप्पारक है इसका नाम है, और ये भी सही लिखा है महाभारत के इन द अपरांत रीजन में, अपरांत प्रांत में ये एक अच्छा जगह है, ये भी सही लिखा है, और वहां पर अशोक के कुछ स्थल मिले, अशोक के और अशोक की कुछ आर्कियोलॉजी फाइंडिंग मिली है, और ये भी लिखा है किस तरह ये ग्रीक्स रोमन्स अनेक देशों में ट्रेड करने का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था। लेकिन ये पोर्ट बना कैसे, इसका आंसर आर्कियोलॉजी वाले नहीं दे पाएंगे, और मुझे इस रिपोर्ट में प्रॉब्लम ये है कि पोलिश कैथोलिक क्रिश्चियंस इसमें क्यों इन्वॉल्व है इस एक्सकवेशन में, क्योंकि वो लोग नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए। भारत के स्थलों में सिर्फ भारतीय इन्वॉल्व होने चाहिए, और जो उसमें कुछ शास्त्र का भी जिनको ज्ञान हो, जिनको हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मालूम है, इफ यू डू नॉट नो यू कैन रीड माय बुक द ओरिजिनल एटलस, उसमें भारत के सभी तीर्थों को मैंने ओरिजिनल नाम से संबंधित किया है, और आज उनके क्या नाम है, उनका लोकेशन क्या है, वो भी मैंने बताया है। बहुत एक डेढ़ साल लगा मुझे बुक लिखने के लिए, लेकिन वो आई हैव ऑलरेडी डन इट, उसको आप यूज कर सकते हैं एज ए रेफरेंस, बट पोलिश यूरोपियन किसी भी यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं बुलाना चाहिए। यूरोपियंस भारतीयों को नहीं इन्वॉल्व करते उनके इतिहास में, हम लोग क्यों करें। और ये जो पोर्ट साइट है वो वसई तालुका में थाने डिस्ट्रिक्ट में है, तालुका क्या नाम है वसई, और ये जो थाने डिस्ट्रिक्ट में है, और ये वेस्टर्न कोस्ट में इसको सुपारक तीर्थ बोला जाता है, वहां पे आपको परशुराम के मंदिर भी दिख जाएंगे आज भी, मैं आपको वहां पे सब जगह लेके चलूंगा। नाउ लेट्स गो टू द कि ये तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है जो कि कंफर्म करता है व्हाट आई डिस्कवर्ड इज राइट। मैंने किसी भी वेस्टर्न या इंडियन या उसको फॉलो नहीं किया था, मैं सिर्फ महाभारत और रामायण को फॉलो कर रहा था, दोनों जगह इसका वर्णन है, और इसका वर्णन आता है पुराणों में भी आता है, तो देर आर मेनी पुराण रेफरेंसेज इंक्लूडिंग वामन पुराण, इंक्लूडिंग लिंग पुराण, इंक्लूडिंग महादेव पुराण, वहां हर जगह इसका रेफरेंसेस आता है सुपारक तीर्थ का। तो ये जो जगह है अभी वहां पे रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन सब चल रहे हैं, क्योंकि ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं, सिर्फ क्या ढूंढेंगे कि क्या पत्थर मिले, क्या कब मिले पत्थर, जो सब जो इनका आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होता है, पॉटरी ढूंढते हैं ज्यादातर, पॉटरी तो किसी भी जमाने का हो सकता है, पॉटरी में तो कोई आपको इतिहास नहीं ढूंढ रहे हैं, उस जगह का सिग्निफिकेंस क्या है वो जरूरी है, और पर्पस क्या है, अगर सिग्निफिकेंस पता लगे तो आप क्या करेंगे बाद में जाके, वहां पे जाके अपने योग के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपनी साधना के लिए आप वहां पे जाके जप करेंगे, वहां पर जाके अपने पितरों को पिंडदान देंगे, जिसको परशुराम में श्रद्धा है वहां पे जाके पूजा करेंगे, यही पर्पस है ना, कि पुरानी जगहों को लेकर आए ताकि हम परशुराम के बारे में बताएं एक दूसरे को, परशुराम की लीलाओं के बारे में डिस्कशन करें, पर भगवान परशुराम के जो स्थल है उनके बारे में हम पता लगाएं, वही उसका पर्पज है। अगर वो पर्पज ही लूज हो गया तो व्हाई इज द नीड फॉर गोइंग टू तीर्थ, तीर्थ पे जाने क्या जरूरत है, उसका पर्पज आप छोड़ दिया तो। वो मनुष्य के कर्म जन्म जो कर्म जाल होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनसे मुक्ति कराने के स्थल है वो तीर्थ, और भगवान परशुराम का इतना महत्वपूर्ण स्थल, कभी कभी भगवान परशुराम को सिर्फ राम भी बोला जाता है, शस्त्र विताम धारी, शस्त्र विताम मतलब शस्त्रों को चलाने में सबसे ऊपर वो है परशुराम, परशुराम फरसे का प्रयोग करते हैं, तो परशुराम
ने जब ये तीर्थ बनाया है वो वहां पे आए हैं तो उस जगह पे, और उसका पुराणों में वर्णन है, इसका मतलब ये है कि ये जगह सिर्फ एक मुंबई का सबर्ब नहीं है, ये मुंबई की आत्मा भी हो सकती है, क्योंकि इस रीजन की आत्मा हो सकती है। अभी तो ट्रेन कनेक्ट करती है वहां पर, वहां से ट्रेन क्रॉस करती है, तो ये वहां की आत्मा भी हो सकती है। तो ये स्थल हम लोगों को जाना चाहिए और वहां पे हमको बाकी सब चीजों को देखना भी चाहिए। सिर्फ देखना भी नहीं चाहिए, वहां पे वापस इस स्थल की छुपारक तीर्थ की स्थापना भी होनी चाहिए। और परशुराम मंदिर में वहां पे अनेक इंपॉर्टेंट मंदिर है, अगर आप जाएंगे आपको वहां पे अनेक इंपॉर्टेंट मंदिर मिलेंगे। और ये थाने डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में, वसई तालुका में है ये जगह। और यहां पर ये जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, और ये अभी 2021 से शुरू हुआ है और मेरी बुक आई है 2023 में, और इस रिपोर्ट को मैंने तब स्टडी नहीं किया था, पहली बार मैं वीडियो पे शो कर रहा हूं। और बड़ा आश्चर्य की बात है, एवरीबॉडी कैन मेक आउट कि यहां पर ये आर्टिफिशियल पोर्ट्स है, मतलब ये पोर्ट्स बहुत हजारों सालों से एग्जिस्टिंग है लेकिन मैन मेड है, किसी ने पहले बनाए, बाद में किसी और ने बनाए, बाद में किसी और ने बनाए, और बाद में इसी स्थल पर आकर बुद्धिस्ट ने स्तूप की स्थापना करी। आपको मालूम होगा मैंने बुक में लिखा हुआ है कि जो भी हिंदू स्थल थे वहां पे बुद्धिस्ट ने आके स्थापना करी, और वहां पर बाकी लोग भी आए, वहां पर जैन भी आए, फिर बाद में वहां पे मुसलमान आ गए, इस्लामियों ने भी वहां पे कुछ ना कुछ स्थापित किया क्योंकि उनको लगा यहाँ पे ज्यादा हिंदू आते हैं तो इजिली कन्वर्ट करवा सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो इसी क्योंकि हर जगह हर हिंदू स्थल के पास में लोग पहुंच जाते हैं, जबकि इस्लाम का जो रिलीजन है वो मिडिल ईस्ट का रिलीजन है, भारत का नहीं है, भारत से कोई संबंध नहीं है, ये बाद में आया है। तो ये बैकग्राउंड है इस जगह का बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। अब मैं आता हूं आपको यहाँ का जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन है, जो विकिपीडिया में प्रस्तुत किया जाता है, ये है नाला सोपारा जो दिखता है आपको यहां पर महाराष्ट्र के इस कोने में है ऊपर की तरफ, और इसके बाद आपको इसमें डॉट्स ये स्तूप मिले हैं, यहाँ पे ये स्तूप आपको मिलेंगे वहां पे, जिसके बारे में एक्सकवेशन के बारे में मैंने आपको बताया, ये विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन है, जबकि ये वहां पे दिखते भी है वहां पे बौद्ध, और ये इंस्क्रिप्शन है अशोक के, ये अशोक दूसरा और अशोक है, और यहाँ पे कुछ और भी धर्म के लोगों ने वहां पे आ गए अभी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है नीचे की तरफ, एक्सकवेशन के बारे में बात है और अशोक के बारे में बात है, और प्लेसेस चक्रेश्वर महादेव मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट, शिव का मंदिर है, और अगर आप शास्त्रों को देखेंगे कि जहां भी विष्णु का मंदिर होगा उसके पास में शिव जी का मंदिर होगा। यहां पर मुझे एग्जैक्टली परशुराम का कोई मंदिर मुझे दिखा नहीं, अगर आप में से कोई शो देख रहे हैं उस एरिया से हैं तो आप मुझे इसके बारे में जरूर बताइएगा प्लीज, क्योंकि वो मुझे कहीं वहां पर परशुराम जी के का मंदिर दिखा नहीं, और इसीलिए इस बार की मेरी भारत की ट्रिप में ये जगह मेरे लिए फोकस पॉइंट है, जहां पे मैं जरूर जाऊंगा, और मेरे घर के भी पास में है, वहां पे जाके मैं जरूर जाऊंगा, और वहां पर मैं अगर परमात्मा की प्रेरणा होगी तो मैं वहां पर उस एरिया में जाके जरूर देखूंगा इस जगह को। और यहाँ पे एक चक्रेश्वर लेक है, और शिवजी के मंदिर जो होते हैं उससे मुझे तीर्थ की स्थापना का अस्तित्व मिल जाता है, क्योंकि शिवजी के मंदिर सभी तीर्थों की रक्षा करते हैं, शिवजी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, शिवजी के भक्त पूरा मनुष्य जाति शिवजी का भक्त होता है, और हमारे शास्त्रों में शिव और विष्णु में कभी भी अंतर ज्यादा बताया नहीं गया है। शास्त्रों में बोलते हैं कि विष्णु ही शिव जी बन जाते हैं तमोगुणों को कंट्रोल करने के लिए, और विष्णु स्वयं सतोगुणों को कंट्रोल करते हैं, तो वो भी गुण एक गुण कंट्रोल करते हैं, शिव जी एक गुण कंट्रोल करते हैं, और मैं शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं रजो गुण को कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए शिव और विष्णु के मंदिर हमेशा आपको एक साथ मिलेंगे। जैसे आपको उदाहरण दे दूं कि भुवनेश्वर जो है शिवजी का गढ़ है,
उड़ीसा में, और इसी के पास में जगन्नाथपुरी, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन शिव जी का मेजर मंदिर जगन्नाथ जी का, उसके पास ही मेजर मंदिर जो है शिव जी का है। वृंदावन में भी आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, गोपेश्वर महादेव और कृष्ण, बहुत उदाहरण मिलेंगे। तो यहां पर ये जगह जो है चक्रेश्वर महादेव मंदिर मेरे रेफरेंस में इसलिए ज्यादा आया क्योंकि तो चक्रेश्वर महादेव मंदिर इज एट द सेम स्पॉट जहां पे मैं सोच रहा था, जहां पे मुझे दर्शन हो रहे थे कि वहीं पर परशुराम जी का मंदिर होना चाहिए। और उसका दूसरा विवरण आता है मेरी पुस्तक में, मैं अपने पुस्तक को बार बार पढ़ता हूँ क्योंकि जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मैं अजीब मतलब पूरा डेडिकेटेड रहता हूँ उस समय। तो ये जो जगह है, इसी जगह को चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पे गए, चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए, चैतन्य महाप्रभु 650 साल पहले गए वहां पे, तो कंफर्म हो गया। बलराम जी गए, बाद में चैतन्य महाप्रभु गए, उसके पहले बलराम जी के पहले कृष्ण भगवान स्वयं आए वहां पर, और फिर उसके बाद उसके पहले भगवान राम की लीला वहां पे हुई है, भगवान राम भी वहां पे गए और लक्ष्मण गए हैं, और बाद में तीर्थ जब हम बात करते हैं सहदेव की, सहदेव भी वहां पे गया है। इसका मतलब ये है कि सारे लोग इस जगह पे जा रहे हैं, सारे अपने जो महाराज। अच्छा, यहाँ पे आदि शंकराचार्य का मुझे वर्णन नहीं मिला कि आदि शंकराचार्य गए या नहीं गए, वो मैं ढूंढ रहा था, मुझे कहीं रेफरेंस मिला नहीं कहीं पर भी, बिकॉज विदाउट रेफरेंस लिखूंगा तो बुक का वैल्यू खत्म हो जाएगा। और सुपारक तीर्थ के बाद आप देखिए कितना कैसे चल रहा है, सुपारक तीर्थ के बाद ये सभी लोग भगवान राम, लक्ष्मण और हमारे सहदेव, कृष्ण, बलराम और चैतन्य महाप्रभु, ये सभी लोग उसके बाद कोल्हापुर भी गए हैं। तो ये वर्णन बड़ा अजीब सा है कि सेम प्लेस रेफर बाय मेनी ग्रेट पीपल, इसमें इन सबकी यात्रा देखनी पड़ेगी, इन सबकी यात्रा कहाँ कहाँ है उन्होंने बुक में वर्णन किया है। और इसके पहले ये सभी लोग गोकर्ण गए थे, जिसमें मैं अलग शो करूंगा, और गोकर्ण के आसपास जगह, कभी आप एक जगह पे जाएंगे तो सिर्फ एक जगह पे नहीं रहेंगे, आप चारों जगह जाएंगे। तो ये सब जगह जो है एक तीर्थ का नाम दिखाती है, और यहाँ पर हम लोगों को जाने से इसके फायदे बहुत हैं, यहाँ पे जाने से कि ये परशुराम के जाने की वजह से तीर्थ बन गया, क्योंकि परशुराम को हम सभी मालूम, सभी को मालूम है हमको कि वो भगवान विष्णु के शक्तिवेश अवतार है, पूर्ण अवतार नहीं है, शक्तिवेश अवतार है भगवान विष्णु के, और परशुराम के जाने से वो जगह तीर्थ बन जाती है। अच्छा, अभी इसमें अब मैं आपको मैप्स में दिखाता हूं कितने मंदिर हैं यहाँ पे। हम इसको ठीक से देखें तो यहाँ पर अगर आप मंदिर पे पहुंच जाएंगे, इतने सारे मंदिर हैं यहाँ पे, यहाँ पे नायगांव भी है, यहाँ पे वसई क्रीक भी है, और ये पूरा रीजन मैं देख रहा हूं, सिर्फ यहाँ के मंदिर ही नहीं देख रहा हूं। ससुनाव घाट भी है, मीरा भयंदर भी है, बोरीवली तो जगह हो ही गई है, तो ये सब जगह है यहाँ पे। और कुछ मंदिर जैसे शनि मंदिर वगोली में है, या टेम्बी जो ऊपर की तरफ विरार की तरफ है, ये भी एक मंदिर है, और एक कसराली, और ये इधर भी बहुत सारे मंदिर है, श्री आशापुरी मंदिर, ये सब मंदिर जो हमको दिखते हैं ऊपर। लेकिन यहाँ पे मुझे सबसे एक मंदिर सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया, वो था चक्रेश्वर महादेव मंदिर। चक्रेश्वर महामंदिर महादेव मंदिर थोड़ा अंदर की तरफ है, इतना पास में भी नहीं है, क्योंकि तीर्थ अगर होगा तो एक लार्ज एरिया को तीर्थ माना जाएगा, एक सिर्फ एक छोटा सा जगह नहीं होगा। तो यहाँ पे पंचमुखी मंदिर, श्री दत्त मंदिर, परमात्मा की प्रेरणा से सारे मंदिर एक तरफ इकट्ठे हो गए, क्लोज से इकट्ठे हो गए सबके सब, और ये तीर्थ तट पे है, तो ये पूरा रीजन ही तीर्थ हो गया एक तरीके का। तीर्थ बड़ा होता है, वहां पे आप कहीं भी जाएंगे उसका प्रभाव रहेगा। और अभी वहां पे काफी कंस्ट्रक्शन है, सिटीज है, और अभी हर चीज हम लोग डिमोलिश नहीं कर सकते, लोग रहते हैं वहां पे। लेकिन इस बात का अगर लोग ध्यान रखें कि परशुराम का तीर्थ स्थल है, यहाँ पे उस प्रकार की कोई भी जो है
क्रिया ना हो जो धर्म के विरुद्ध हो या धर्म को लोगों के भाव को थोड़ा सा खंडित करे या वो भाव को अफेक्ट करे, वो सब कार्य ना हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको तीर्थ की महिमा फिर तभी स्थापित होती है जब वहां के लोग उस तीर्थ की महिमा को जाने। तो इस तीर्थ पे जाके इसका बेनिफिट है कि यहाँ पे आपके सभी कर्म जल जाते हैं। और मेरे को आप सबकी मदद भी चाहिए कि वहां पे परशुराम का पुराना मंदिर ढूंढे कहीं पर इस रीजन में, जो हम लोगों को बताए कि परशुराम वो आसपास ही होगा, चक्रेश्वर महादेव मंदिर के पास ही होगा कहीं पर, या वो कोस्टल रीजन में हो सकता है, इस एरिया में हो सकता है। कुछ समुद्र के ऊपर आने से काफी पानी के अंदर भी तीर्थ चले गए हैं, तो इसका मतलब ये आपको दिख ही रहा है कि कितना पानी अंदर गया होगा वहां से वहां तक, तो दिख ही रहा है वो, तो मैप में तो दिख ही रहा है क्लियरली कि कितना पानी अंदर आया है, ये सब तीर्थ ही हो सकते हैं। और तो उस एरिया में भी हमको देखना पड़ेगा कि शायद, क्योंकि ये तीर्थ एकदम समुद्र के किनारे था, तो बाद में पानी आने के इस चक्कर में उस तीर्थ को अंदर की तरफ स्थापित किया गया, और जब समुद्र वापस जाएगा कभी फ्यूचर में, जब भी होगा, अभी तक तो नहीं जाने वाला है, तब वापस ये तीर्थ ऊपर आ जाएंगे, जैसे बहुत अनेक 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 जो तीर्थ हैं ऊपर आने शुरू हो गए बहुत जगह। तो ये तीर्थ महाभारत काल से है, आपको सबको मालूम है कि द्वारका के जब अंदर गई तो समुद्र कितना ऊपर आया, 150 मीटर ऊपर आया। दिस इज द लेवल इन विच 30 मीटर्स बोलते हैं, 30 मीटर्स ऊपर आया है। तो वहां पे भी हो सकता है कि उस समय भी ये समुद्र के नीचे चला गया हो, बट उसका इफेक्ट रहेगा हर जगह। इसलिए आप देखेंगे कि सारे मंदिर एक ग्रुप में सब बन चुके हैं, एक ग्रुप में एक तरफ वो दिखता है कि वहां पे वो तीर्थ है। और एक छोटा सा इधर पॉन्ड भी है, अभी हम सबको मालूम है कि चक्रेश्वर महादेव मंदिर के पास में ये छोटा सा एक पॉन्ड भी है, समंत पंचक के बारे में आपको मालूम ही है। और एक एक नहीं है, दो तीन है, एक यहां पर है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। इसको तो हमको साफ रखना ही पड़ेगा, एकदम साफ सुथरा, सो दैट वी कैन हैव मोर विजिटर्स कमिंग देयर, है ना। बहुत रहेंगे यहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड से, ये सब ये दिखाता है कि यहाँ पे पुराने समय में लोग यहाँ पे पिंडदान करने आते थे। पिंडदान करना, पितरों की पूजा करना, देवताओं की पूजा करना, यही तीर्थ का एक पर्पस होता है। और तीर्थ की शक्ति ये होती है कि जहां पे आप वो मंदिर का वहां पे जाके, जो परशुराम जी के भक्त हैं, सभी लोग परशुराम के भक्त हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ और फिर शिव जी के भक्त होंगे तो वहां पे जाके, और शिव जी और परशुराम का कोरिलेशन मैं कभी और शो में बताऊंगा, लेकिन इस समय थोड़ा सा बता देता हूं कि परशुराम जो है वो स्वयं ही महादेव की भी शक्ति माने जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि महादेव और विष्णु इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं कभी सभी शास्त्रों में, तो शिव जी और विष्णु में कोई अंतर नहीं माना जाता है। जब विष्णु अवतार लेते हैं तो महादेव की पूजा करते हैं, महादेव जब पार्वती से बात करते हैं तो विष्णु की पूजा करते हैं, तो दोनों जगह ऐसा होता है। तो इट इज इंटरचेंजेबली यूज। पृथ्वी पे भगवान कृष्ण ने महादेव की पूजा करी, उनको प्रद्युम्न नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, जो और उसी तरह महादेव जब पार्वती से बात करते हैं और कृष्ण से जब बात करते हैं तो कृष्ण को बोलते हैं आपको क्या चाहिए मुझसे, आप तो सभी को सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस तरह का एक म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है वो हमको दिखता है। तो परशुराम महादेव के बीच में भी ऐसा ही रिश्ता है। और अभी कल के अवतार में परशुराम जी स्वयं कल के अवतार मनुष्य के रूप में आने वाले हैं, भगवान कोई मनुष्य बनते नहीं है, मनुष्य जैसे दिखते हैं, तो मनुष्य के जैसे दिखेंगे। तो वहां पर महादेव परशुराम ही शस्त्र विद्या देने वाले हैं कल्कि को। तो इसलिए ये जो तीर्थ है सुपार्क तीर्थ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे तीर्थ कल्कि अवतार के समय में एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी थोड़ा शायद हम लोग बहुत समय से पहले ये वीडियो कर रहे हैं और हम लोग परशुराम जी के स्वागत के लिए ऑलरेडी तैयारी है। वहां पे परशुराम जी तो चिरंजीवी है, विष्णु है तो वो भी है, लेकिन ये जगह उनके नाम पर समर्पित है। और इसका आने वाले समय में बहुत बड़ा इसका जो है योगदान होने वाला है कल के अवतार के समय में। ये जगह वापस
भक्तिमय वातावरण से भरने वाली है पूरे जगह, क्योंकि ये सुपार्क तीर्थ है। सुपार्क तीर्थ की महिमा बहुत होती है। सुपार्क तीर्थ पे आपके जितने भी मंत्र होते हैं, जो शस्त्र जो क्षत्रिय लोग उसका प्रयोग करते हैं और जो ब्राह्मण लोग उसमें मनन चिंतन करते हैं, वो सारे मंत्र यहाँ पे नित्य निवायमान रहते हैं। सब तीर्थों में यही कहानी है, जो सुपार्क तीर्थ की थोड़ी स्पेशल है। इसलिए इसमें सभी हमारे शास्त्रों में जो हमारे गुरु हैं या जिनके नाम पे संप्रदाय चलते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आए हैं। भगवान स्वयं आए हैं यहाँ पर और बार बार आए हैं, और ये जगह भगवान परशुराम ने ही बनाई है। वहां पे आए, उन्होंने बनाई, इसलिए वो तीर्थ बन गया। उनके चरण कमल कर पड़ने पर ये तीर्थ बन गया। तो बॉम्बे के लोग सोचे कि उधर तो इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी है नहीं, क्योंकि वहां बॉम्बे में ज्यादातर लोग धन के लिए आते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। बॉम्बे सनातन धर्म की गढ़ है, का गढ़ है। कि नॉर्दर्न ग्रेटर बॉम्बे में आता है, ट्रेन तो जाती है यहां तक, वसई विरार तक जाती है ट्रेन, और तो वहां तो विरार तक ट्रेन जाती है ऊपर, तो उसी के पास में पालघर है और उसी के पास में ये जो मंदिर है बहुत सारे है, तो यहाँ पे तो लोग जाते ही हैं। अभी तक भी ट्रेन जाती है, बॉम्बे की लोकल ट्रेन जाती है, तो यहाँ पे जाके लोगों को देखना चाहिए। और जब मैं आऊंगा वहां पर इस ट्रिप में, तब मैं वहां पे आप सबको लेकर चलूंगा जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। आजकल चाय का बहुत माहौल चल रहा है, तो विल डू चाय पे चर्चा इन नाला सुपारा, तो जरूर हम लोग को मिलेगा। दिस इज शॉर्ट शो, और आपको बताने के लिए कि सुपार्क तीर्थ कहाँ पर है और सुपार्क तीर्थ की महिमा क्या है। तो अगले शो तक वेट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते एंड थैंक यू।